अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फारूक एएनए अखबार अराकान के साथ हाजिर हूँ। बर्मी रहनुमा आंग सान सू ची और उनके नाम नहाद जमहूरी हुकूमत ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन के नामजद करदा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के वफ को मुल्क में दाखिले के लिए वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन ने करारदाद के जरिए बर्मा के रियासत अराकान में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्मी फौज की मजालिम का जायज़ा लेने के लिए एक कमीशन भेजने का ऐलान किया था और इसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। ताहम अब तक पूरे दौरे के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है, मगर अमन पसंद होने के दावेदार बर्मी रहनुमा आंग सान सू ची की हुकूमत इस वक्त को वीज़ा जारी करने से इनकार करके रोहिंग्या मुसलमानों के संगीन इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित कर रहा है और बर्मी फौज और हुकूमत नहीं चाहती कि इंसानी अफसोस मजालिम उस कमीशन के जरिए दुनिया के सामने आए। बर्मी हुकूमत के इस अमल ने साबित किया कि बर्मी फौज अपने जराइम पर पर्दा डालते रहना चाहते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन फिलिप्पो ग्रांडी यूएनएचसीआर के वफ्द हमरा इतवार से बर्मा का दौरा कर रहे हैं। वफ्द अपने दौरे में बर्मी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वफ्द एकियाब के पनाहगुज़ीन कैंपों माउंडो बोथीडोंग माम्बिया और क्योक्टा का तफसीली दौरा करेंगे और रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात करके सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। वफ्द का दौरा उस वक्त हो रहा है जब अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन के नामजद करदा जायजा मिशन के दौरे के लिए बर्मा का वीज़ा जारी न करने के ऐलान के बाद बर्मा पर सारी दुनिया में तनकीद हो रही है। इस दौरे के लिए बर्मी हुकाम ने इजाज़त देकर दबाव को कम करने की कोशिश की है। मलेशिया और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोनों ममालिक में बर्मी तारिकीन वतन की तादाद सबसे ज़्यादा है। मलेशिया में रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने पनाह ले रखी है, जिनमें से हज़ारों अफराद अब तक यूएनएचसीआर के कार्ड से महरूम हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने सूरतहाल पर तशवीश के इजहार करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा से अपील की है कि उनको बतौर महाजिर रजिस्ट्रेशन करने के अमल को तेज़ी से मुकम्मल किए जाएँ। शिकागो अमेरिका में 1 जुलाई को 54वां इस्ना कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें रोहिंग्या बचाओ और ज़िंदगी बचाओ के मौजू पर एक सेशन हुआ, जिसमें अरकान रोहिंग्या यूनियन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वक़ारुद्दीन ने खसूसी खिताब किया। सेशन के दूसरे मरकज़ी मुकर्रर मुमताज़ सोशल वर्कर और प्रोफेसर मुसन्निफ डॉक्टर अजीम इब्राहिम थे। उस सालाना कन्वेंशन में ग्लोबल रोहिंग्या सेंटर ने तस्वीर पर मुश्तमिल एक नुमाइश का अहतमाम भी किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर इजहार तशवीश किया और एआरयू की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। म्यांमार के मुस्लिम अक्सरियती सरहदी शहर मोंगडो में बर्मी फौज और पुलिस की वहशियाना कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 1 गाँव के 8 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जाम बहक तमाम अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तार करके गोली मार दी गई थी। इन अफराद को करीबी दरिया में मछलियों के शिकार के दौरान निशाना बनाया गया या उन्हें ईदगाह से उठाकर ले गए। बर्मी फौज ने ईद की नमाज की अदायगी के दौरान कई मुसलमान गांवों का मुहासरा करके बच्चों और ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और कई को गिरफ्तार करके ले गए, जिनमें कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद भी शामिल हैं। फौज उलमाए कराम हाफिज़ुल कुरान और एहतिकाम में बैठने वालों को हदफ बनाकर गिरफ्तार करते रहे। जुनूबी मोंगडो में फ़ौज के मजालिम से तंग आकर कई ख़ानदान बांग्लादेश पनाह के लिए पहुँच गए हैं। इलाके के मकीनों के मुताबिक बर्मी फौज घरों में दाखिल होकर ख़वातीन के साथ नारवा सलूक कर रहे हैं। मर्दों की बड़ी तादाद खौफ से गांव छोड़कर दूसरे गांव में पनाह के लिए फरार हो चुके हैं। यह 3 हफ्ते की खास खास और अहम खबरें अगले हफ्ते नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ।